कांगड़ा जिले में पोंग बांध से पानी छोड़े जाने के बाद हालत काफ़ी ख़राब है। जिले के फतेहपुर और इंदौरा में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ के साथ साथ भारतीय सेना और वायुसेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कांगड़ा के उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल स्वयं मौके पर जाकर राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। जिंदल ने बताया है कि पोंग बांध से अत्यधिक पानी छोड़े जाने के कारण साथ लगते फतेहपुर और इंदौरा क्षेत्र में कई लोग फंस गए हैं। पानी का स्तर ज्यादा होने के कारण बोट के माध्यम से लोगों को निकालना संभव नहीं हो पा रहा था। इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से भारतीय सेना और वायु सेना से संपर्क साधा। सेना ने त्वरित प्रभाव से मामून कैंट से इंदौरा के लिए और योल कैंट से फतेहपुर के लिए टीमें मौके पर भेज दी। लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि अब सेना, वायुसेना और NDRF की मदद से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए फतेहपुर के वजीर राम सिंह पठानिया स्टेडियम और डमटाल में अस्थायी हेलीपैड बनाए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि चॉपर के माध्यम से एयरलिफ्ट किए जा रहे लोगों के लिए वहीं पास में ही रिलीफ कैंप भी स्थापित कर दिया गया है। वहीं बोट के माध्यम से रेस्क्यू किए जा रहे लोगों के लिए बड़ूखर में राहत और शिविर प्रसाद वहीं बोट के माध्यम से रेस्क्यू किए जा रहे लोगों के लिए बड़ूखर में राहत शिविर बनाया गया है।